खबर सामने सर, जहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है भारत का शेयर बाजार। 60,000 के पार सेंसेक्स पहुंच चुका है। भारत अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती का असर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यात्रा की शुरुआत की थी, उसी वक्त पर सेंसेक्स में बढ़त देखने के लिए मिली थी। 1,000 से ज्यादा के अंकों का बढ़त के साथ सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी और अब ये बता रहे हैं आपको कि 60,000 के पार सेंसेक्स पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ऊंचाई है शेयर बाजार की। हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा तायल साहब आपसे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत बहुत बेहतर है, जो 5 बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ बैठक हो रही है, क्या ये उसका असर है कि जो भारत के शेयर बाजार में तेजी में दिखाई पड़ रही है? ये बिल्कुल सही है कि भारत के शेयर बाजार में उत्साह है। देखिए, जो 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ था, प्रगति हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसमें सोवियत यूनियन हमारा मुख्य पार्टनर था। पर समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं और आज का भारत जहाँ पर खड़ा है और जो दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी पर खड़ी हुई है, तो हमारा सबसे बड़ा आर्थिक जो पार्टनर इस समय है और विकास का पार्टनर है, इकोनॉमी का पार्टनर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्टनर है, वो इस समय धीरे धीरे अमेरिका बनता चला जा रहा है। हमारी ट्रेड भी अमेरिका के साथ सबसे अधिक है, एक्सपोर्ट्स सबसे अधिक है और ये जो प्रधानमंत्री ने 5 मीटिंग्स की हैं और ये जिस तरह से एक नया रोड मैप बनाया जा रहा है जी, देखिए अभी तक तो जो निवेश आया है अमेरिका से बहुत आया है, पर वो सर्विसेज में आया है, फाइनेंस में आया है, पर मैन्युफैक्चरिंग में अभी इतना नहीं आया है। क्वालकॉम के सीईओ से मीटिंग और भारत देखिए आत्मनिर्भर भारत का भी एक प्रधानमंत्री का और पूरे देश का उद्देश्य है। हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, उसके लिए नौकरी रोजगार बहुत ही बड़ा उद्देश्य है जी। तो किस तरह से एक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो जी, जिससे कि भारत के जो उद्देश्य है वो भी पूरे हो और